क्या वायग्रा मतलब सिल्डेनाफिल ये स्मृति भ्रंश की बीमारी कम कर सकता है? क्या वायग्रा लेने से जो अल्जाइमर्स डिसीज है, डिमेंशिया है, वो ठीक हो सकता है? अल्जाइमर्स डिमेंशिया, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे यहाँ आते रहते हैं, अब वो 35-40 और वो सिल्डेनाफिल लेते रहते हैं, वायग्रा लेते रहते हैं, और वो पूछते रहते हैं कि भाई क्या ये वायग्रा बहुत दिन तक लिया तो नुकसान होगा क्या, क्या होगा क्या नहीं। एक्चुअली अलग अलग स्टडीज जो है वो बताती है कि भाई सिल्डेनाफिल क्या करता है, सिल्डेनाफिल ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है, ब्लड वेसल की जो वॉल है वो रिलैक्स करता है ताकि पेनिस में मतलब लिंग में ब्लड अच्छा घुस जाए 100 से 150 ml तक। तो जब सिल्डेनाफिल ब्लड वेसल के ऊपर काम करता है, उसको बड़ा करता है, तो ये ब्लड वेसल्स क्या सिर्फ पेनिस की बड़ी करती है, बड़ी होती है तो सभी बॉडी की होंगी, तो सभी बॉडी की ब्लड वेसल बड़ी होती है, उसमें ब्रेन की भी आ गई। तो इसका मतलब हो गया कि रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया कि भाई जिनको सिल्डेनाफिल जो लोग ले रहे थे तो उनको अल्जाइमर डिसीज का या डिमेंशिया का, वैस्कुलर डिमेंशिया स्पेशली का प्रोबेबिलिटी कम हो गई थी, उनको कम हुआ अल्जाइमर डिसीज में। वैसा अदरवाइज अल्जाइमर मतलब उल्टा भी है, अल्जाइमर डिसीज में जिनको जिनको अल्जाइमर हुआ है उनमें से 50% लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, 50%। एक स्टडी की गई जिसमें 7.23 मिलियन पीपल, 7.23 मिलियन पीपल को उनका डेटा मतलब एनालाइज किया, उसमें से सिल्डेनाफिल यूजर्स मतलब वायग्रा यूजर्स कौन थे वो अलग किया, और उसमें से 69% जो वायग्रा यूजर्स थे उसमें से ऐसा पाया गया कि 69% वेर लेस लाइकली टू डेवलप अल्जाइमर, मतलब उनको 69% चांस कम था अल्जाइमर होने का और 6 ईयर्स पीरियड टाइम देन नॉन यूजर्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो सिल्डेनाफिल नहीं खा रहे थे और जो सिल्डेनाफिल खा रहे थे, तो जो सिल्डेनाफिल खा रहे थे उनको अल्जाइमर होने के चांसेस 69% कम थे। तो बहुत अच्छी स्टडी है ये कि भाई आपको यदि ये मालूम पड़ा कि भाई मुझे ब्लड वेसल का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड वेसल मोटी हो गई है, एथरोस्क्लेरोसिस हुआ है, उसके वजह से मुझे लिंग में कठोरता नहीं आती है, तो आप सिल्डेनाफिल ले रहे हैं, तो सिल्डेनाफिल आप बाकायदा लेते रहो। सिल्डेनाफिल लेते रहेंगे तो आपको दिमाग की बीमारी भी कम हो जाएंगी जो वैस्कुलर डिमेंशिया बोलते रहते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि क्या सिल्डेनाफिल कितने समय तक लेना चाहिए, रोज लेना चाहिए क्या? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि सिल्डेनाफिल के भी साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब लंबे असर तक सिल्डेनाफिल आप लेते हैं तो लॉस ऑफ विजन भी कुछ लोगों में पाया गया है, हार्ट प्रॉब्लम्स पाए गए, तो इसलिए लंबे समय तक लेना नहीं है, क्योंकि बाकी सिल्डेनाफिल के जैसा हेडेक है, बॉडी एक है, एसिडिटी है, ये भी साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, तो सिल्डेनाफिल नहीं लेना चाहिए कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म। मगर समझो लेते हैं खुदा ना खास्ता तो अल्जाइमर होने के चांसेस कम है, ये रिसर्च बोलता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।